हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम योर वेरी ओन एन एन सर ए वीडियो रे पुनी थरे समस्त व्यूअर्स मन को स्वागत करुची। पिला माने ए वीडियो रे आज हम माने राजनीति विज्ञान रो सेट ए रु 25 टी एमसीक्यू पढ़िबा एवं तार उत्तर रु भल भाबरे जानिबा। ए एमसीक्यू गुडी को बहुत बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी मध्ये अटे। त पिला माने जो माने चैनल टू एपर्जन सब्सक्राइब करनाओ दया करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं चलो आरंभ करवा आज प्रथम प्रश्न। हमर क्वेश्चन नंबर वन होची देखो पे ये कौन लिखा अच्छी प्रत्येक प्रश्न सहित प्रदत्त विकल्प गुड़ सठिक उत्तर चयन कर समस्त प्रश्नर उत्तर आम दबा। 25 टी प्रश्न आम करवा प्रत्येक प्रश्न उत्तर नंबर हूँ 1 25 टी करवा मैंने 1 × 25। आम फास्ट क्वेश्चन हूँ किए कही गणतंत्र एक सरकार जो प्रत्येक भाग अच्छी भाग अर्थ प्रत्येक अंश रही भागीदारी रही किए कही मिल कहते कि मिल हम ना आब्राहम लिंकन हम ना लास्की हम ना सीधा सीधा उत्तर टी मन रखीद सिली आब्राहम लिंकन कौन कहते डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एवं फॉर द पीपल। तेनालीर राइट आंसर हम आमर कि राइट आंसर हम ना सिली। ओके सो क्वेश्चन नंबर न क्वेश्चन नंबर बी निम्नोक्त मध्य क्योंटी एक जातीय दल तुम जान राजनीति विज्ञान में पाला पढ़ाई तुमको जातीय दल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो पढ़ाई तुमको पढ़ाई जे दलगुड़ी राजनीति दलगू दुई भाग भेद कराए जातीय दल एवं आंचलिक दल। तो एगुड़ी मध्य जो ऑप्शन गुड़ आम पाखे अच्छी जातीय दल किए देखो पाने ऑप्शन गुड़ हूँ डीएमके बीएसपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अकाली दल नुहे ये पंजाब गोटे राज्यर डीएमके गोटे राज्यर तमिलनाडु नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मध्य जम्मू काश्मीर तेणु केवल बड़ीपल्ला किए बड़ीपल्ला हूँ आमर बीएसपी बीएसपी इज द राइट आंसर। ओके नाउ सी कारगिल युद्ध समय किए भारत प्रधानमंत्री थे कारगिल युद्ध तुम मन पाने छोट छोट हो मन रख कारगिल युद्ध समय भारत प्रधानमंत्री आम किए थे सीधा सीधा मन रखा जहाँकि 1949 मसीह होता एवं किए प्रधानमंत्री आम थे नेहरू थे ना इंदिरा गांधी तो नाते तो देवगौड़ा भी नी एम कहीं नुहति आमर उत्तर हम वाजपेयी। ओके अटल बिहारी वाजपेयी सेटा हूँ बीजेपी सरकार अमल रे। तापर क्वेश्चन संविधान के धारा अनुसार राज्य राष्ट्रपति शासन जारी करा पारिबो जेते बेले गोटे राज्य शासन कल भुशुड़ी पड़े से राष्ट्रपति शासन करा जाए पिलाने मन रख ये ऑप्शन गुड़ अति सुंदर भाव में मन रखि पारिबा एवं उत्तर टी ठीक भाव में बाहर करनवा। देखो 352 धारा रे कौन हुए 352 धारा रे 352 धारा आमर नेशनल इमरजेंसी बा जातीय जरूरी परिस्थिति सेटा डिक्लेयर हुए तापर 300 अमर देखो थुआ पिलाने देखो 360 360 कौन कौन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी कले कौन बुझा सेटा हूँ तुम अर्थनैतिक जरूरी परिस्थिति। आउ देखो पे नेक्स्ट आम यू देखीद टी धारा 370 पे जानी थोड़ा तो 370 धारा उच्छेद कर संसद में यहाँ हूँ कौन ना स्पेशल स्टाटस टू जम्मू एंड काश्मीर 370 धारा स्पेशल स्टाटस टू जम्मू एंड काश्मीर तो बड़ीपल्ला कौ उत्तर टी बड़ीपल्ला धारा 356 तो दिस इज द राइट आंसर संविधान के उदाहरण सर राज्य राष्ट्रपति शासन जारी करा जाए। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी निम्नोक्त देशगुड़ी मध्य क्यों देश में द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित अच्छी आम तो पार्टी सिस्टम जाने पाने एक दलय द्विदलीय बहुदलीय व्यवस्था सब थाए तेनाली मध्य भारत में ना इटाली ना चीन में ना युक्तराष्ट्र आमेरिकार कौटी द्विदलीय व्यवस्था केमी ऑप्शन गुड़ बाहर करके देख ना भारत तो बहुदल चले चीन रे तो गोटे दल चले कम्युनिस्ट पार्टी एवं इटाली रे बहुत दल चले इटाली रे तो प्राय 8टी दल से अच्छा राजनीति दल तो बड़ी पड़ा किए युक्तराष्ट्र आमेरिका सेठी केवल दुईट दल थाए गोटे डेमोक्रेटिक और आ गए रिपब्लिक पार्टी। ओके सो उत्तर हूँ आम युक्तराष्ट्र आमेरिका तापर देखीद प्रश्न बर्तमान देखा ए प्रश्नटी को एफ निम्नोक्त मध्य के संघीय राष्ट्र लक्षण अटे संघीय राष्ट्र कहले पे तुम ऑलरेडी जानी थो संघीय राष्ट्र अर्थात जो देश में दुईट सरकार थी राज्य सरकार केन्द्र सरकार सेठार क्षमता बंटन हो गोटे अनमनीय संविधान थी यही सब गुण थे संघीय राष्ट्र कह जाए। तो आम देखिए प्रश्न अनुसार निम्नोक्त मध्य के संघीय राष्ट्र लक्षण अटे नमनीय संविधान नुहे अनमनीय संविधान होता एकक केन्द्र सरकार नुहे ये द्वैत सरकार होता दुईटा सरकार होता क्षमतार केन्द्रीकरण नुहे क्षमतार विकेन्द्रीकरण होता ठीक अच्छे पे तेबी आम प्रश्न कौन थी ना निम्नोक्त मध्य के
संघीय राष्ट्रर लक्षण अटे ताले एगुडियो जदि लक्षण नुहे ताले अटे कोटा ना स्वाधीन न्यायपालिका दिस इज आवर राइट आंसर ओके किए कहते जनता बाणी ही ईश्वर को बाणी हु सेड भक्स पपुली एटा गोटे इटालियन फ्रेज भक्स पपुली भक्स पपुली भक्स देई एटा इटालियन एटा गोटे इटालियन फ्रेज किए कहते जनतांकर बाणी ही ईश्वर को बाणी किए कहते जनतांकर बाणी ही जनतांकर बाणी ही ईश्वर को बाणी भक्स पपुली भक्स डाई सीधा सीधा मन रखिद उत्तर आम हम ऋष ओके नेक्स्ट गणभोट कहार एक उपादान गणभोट कहार एक उपादान गणभोट कहले जो गणतंत्र पढ़ाई होता है डेमोक्रेसी दुई प्रकार जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा प्रत्यक्ष गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र से जो प्रत्यक्ष गणतंत्र रे थिला उपादान जो तीनोटी से तीनोटी उपादान को आलोचना कले आर उत्तर सहजरे पाइपर से गणभोट कहार एक उपादान अटे स्थानीय स्वायत्त शासन ये भी नुहे सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा ये भी नुहे सार्वजनीन शिक्षा व्यवस्था ये भी नुहे तो प्रत्यक्ष गणतंत्र आर जो तीन टा उपादान से तीन टा उपादान रु गणभोट गोटे तार उपादान से राइट आंसर हे सठिक उत्तर तापर तो पिला माने निम्नोक्त मध्ये केउटी गणतंत्र एक वैशिष्ट्य नुहे अर्थात गणतंत्र गोटे गुण नुहे ऑप्शन्स गुड़िक हूँ जनप्रिय सार्वभौमत्व आईन रासन देख पे आईन रासन राजनैतिक स्वातंत्र राजनैतिक असमता प्रश्न टी भल हो निम्नोक्त मध्य के गणतंत्र एक वैशिष्ट्य नुहे अर्थात तार कैरेक्टर नुहे तार लक्षण नुहे कौटा लक्षण गणतंत्र तो जनप्रिय सार्वभौमत्व रहा आवश्यक आईन रासन तो चलिया दरकार राजनैतिक स्वातंत्र तो रहा दरकार केवल कौटा हवा दरकार नुहे ना एटा राजनैतिक असमानता एटा हूँ आमर ठीक उत्तर जे निम्नोक्त मध्य केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंश नुहे निम्नोक्त मध्य केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंश नुहे स्वायत्त शासन जब पढ़ाई पे तो मैंने जानते हो स्वायत्त शासन सहरांचल स्वायत्त शासन और ग्रामांचल स्वायत्त शासन अच्छी ये ग्रामांचल स्वायत्त शासन विषय पचारि कौन कौन ना निम्नोक्त मध्य केउटी निम्नोक्त मध्य केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंश नुहे अर्थात ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था से गोटे अंग नुहे देखा उत्तर टी देख ग्राम सभा ये तो ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था थाए पंचायत समिति ये भी तो थाए ग्राम पंचायत ये भी तो थाए तो कौटा थाए ना एगुड़क सब ग्राम एवं केवल पौरपाड़िका ये सहरांचल ये तेज आम उत्तर कौटा हम ना पौरपाड़िका ओके से कौन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम के देख पे निम्नोक्त मध्य केउटी राष्ट्र निर्माण प्रति एक आह्वान अटे मानने चैलेंज 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 राष्ट्र को या नेशन बिल्डिंग क्षेत्र में कौटा गोटे चैलेंज सृष्टि करे देखा पे कौटा चैलेंज हो पाए तुमने भी निजे निजे देख आम देश गुड़िक आम जो भारत केमी चलिए देख एटी तो दलय व्यवस्था अच्छी यहाँ भी आह्वान हम ना कहीं दलय व्यवस्था अनुसार शासन चली राजनीति दलय व्यवस्था अनुसार मेन्टो राजनीति भी चलती ये भी तुम ऑप्शन्स उत्तर हम ना आउ कौन ना संघीय राष्ट्र ये भी हम ना एवं केवल जाति आण बात जदि समस्ते जाति को नहीं गर्व करके जाति जाति भितर लड़े लगे तो देश नेशन बिल्डिंग हो पार ना सो दिस इज आवर राइट आंसर जाति आणवाद निम्नोक्त मध्य के राष्ट्र निर्माण प्रति एक आह्वान अर्थात जाति आणवाद हूँ एक आह्वान गोटे चैलेंज सेटा आम नेशन बिल्डिंग ओके नर्मदा बचाओ आंदोलन में किए नेतृत्व नहीं थे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहले जो सरदार सरोवर डैम जो निर्माण होता ता विरुद्ध जो आंदोलन होता जन आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन यार नेतृत्व किए थे सीधा सीधा एनसर टी जाणीद तार नेतृत्व नहीं थे मेधा पाटेकर ओके दिस इज द राइट आंसर मेधा पाटेकर तापर देख पे निम्नोक्त मध्य के भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपकारिता नुहे बहुदलीय व्यवस्था अपकारिता नुहे ओके राजनीति बहुदल है कौन हम ना अपकारिता हम ना से उत्तर देख राजनैतिक अस्थिरता ना दुर्बल विरोधी दल ना विभिन्न स्वार्थर प्रतिनिधित्व ना राजनैतिक दल बदल उत्तर कौन हम ना उत्तर टी सीधा सीधा जाणीद यहाँ हम विभिन्न स्वार्थर प्रतिनिधित्व भारत में बहुदल व्यवस्था अपकारिता यहाँ नुहे ओके सो ना भारत पाकिस्तान मध्य कारगिल युद्ध क्यों मसीहार होता हुई इयर इन हुई इयर कारगिल वार फट केबे कारगिल युद्ध केबे हेतला
ऑप्शन गुड़ी हूँ 1971 एटा तो नुहे एटा तो बांग्लादेश सहित जो बांग्लादेश फ्रीडम फाइटिंग जो होता बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भारतीय मैंने साय करते सेटा एटा तो हम ना 2001 भी हम ना 2003 भी हम ना ये देख 1999 आई ऑलरेडी टोल्ड यू मु तुमको कही चेटा 1999 कारगिल युद्ध कारगिल वार ठीक अच्छे। तापर आस भारत में क्यों राज्य उलुफा ULFA आर फुल फॉर्म पिला मानला यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा उल्फा कथा पचराई कौन कौन ना कौ राज्य यहाँ लास्ट लिखाई देख उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम तो सीधा सीधा उत्तर जानी उल्फा हूँ आसाम। ओके AIADMK क्यों राज्यर का आंचलिक दल क्यों राज्यर सीधा सीधा उत्तर टी जानी पाने तामिलनाडु एटा घुसीद सीधा AIADMK आउ DMK एगुड़क सब तामिलनाडुर आंचलिक राजनैतिक दल एगुड़क सब। ओके आस प्रश्न आम शिक्षा क्यों को देखा सुंदरलाल बोहुगुणा क्यों आंदोलन नेतृत्व नहीं जन आंदोलन जो तुमको पढ़ाई पाने भितर आंदोलन सुंदरलाल बोहुगुणा जान पाने कृषक आंदोलन हम ना चिपको आंदोलन हम ना चिलिका आंदोलन हम ना निस्तब्ध उपत्यका आंदोलन हम कौटा पाने उत्तर टी जाणीद फटाफट से चिपको तुम जान चिपकर अर्थ कौन ना चिपकर अर्थ हूँ कुंडाई पकेवा तुम जान नेपाल तराई अंचल जिते ठिकादार मैंने आसी गच काटि पकाते से ही अंचल महिला मैंने आसिक से गच्छ को कुंडाई पकाते काटापी दौन चिपकर अर्थ हूँ कुंडाई पकेवा तो यहाँ हूँ सुंदरलाल तार मुखिया थे सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ हम एनसर तेज हम चिपको आंदोलन। तापर सार्क SARC सार्क ये लिखाई सार्क है पाने तो सार्क क्यों मसीह गठित होता 1963 हम ना 1996 हम ना सीधा सीधा उत्तर टिकट घुसीद यहाँ आम 1985 पाने मन रख 8 डिसेंबर 1985 बांग्लादेश ढाका ठारे सार्क प्रतिष्ठित होता तार फुल फॉर्म पाने तुम जान साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तबे आंसर हम 1985। तापर देख निम्नोक्त मध्य क्योंकि सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंश नुहे सहरांचल स्वायत्त शासन आम आउट ग्रामांचल स्वायत्त शासन विषय पढ़ी आसे एवं देखा सहरांचल स्वायत्त शासन रोटे अंश नुहे पाने को ध्यान देव केत अंश को अंश हे नहीं तो केत ना नहीं आम प्रश्न कौन अच्छी ना सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंश नुहे। देख पौर निगम बा पौरपालिका ये तो थाए ये तो पौरपालिका अच्छी पौर निगम अच्छी विज्ञापित अंचल परिषद जोटा NAC ठीक अच्छे ये भी सहरांचल स्वायत्त शासन अंक पौरपालिका म्यूनिसीपालिटी कॉर्पोरेशन पौर निगम कॉर्पोरेशन एगुड़िक तो सब सहरांचल स्वायत्त शासन अंग बा अंश तेज कौटा नुहे ना जिला परिषद एटा जिला परिषद कौटी ना ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्थार गोटे अंग सेटा बा गोटे अंश। ओके सो कंप्लेन आंदर क्वेश्चन टी किए नक्सल आंदोलन प्रमुख व्यक्ति थे नक्सल आंदोलन पाला तुम जानव नक्सल आंदोलन आमर पश्चिमबंगर जो नक्सल बाड़ी आरंभ हो ओके नक्सल बाड़ी आरंभ हो तार नाम है नक्सल आंदोलन तो यार प्रमुख व्यक्ति किए थे सीधा सीधा मन रखीद उत्तर टी चारू मजुमदार नक्सल आंदोलन प्रमुख व्यक्ति थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंटी भारत में प्रथम आंचलिक दल कौटी सीधा सीधा उत्तर टी जानीद सीधा सीधा उत्तर जानीद अकाली दल पंजाब अकाली दल हूँ भारतर प्रथम आंचलिक दल। ओके अकाली दल इज आवर राइट आंसर। तापर देख पाने किए बहुजन समाज पार्टी प्रतिष्ठाता बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी एटा कौटी पाने उत्तर प्रदेश रे एवं किए प्रतिष्ठाता या हूज द फाउंडर आर प्रतिष्ठाता किए प्रतिष्ठा करते सीधा सीधा उत्तर देखीद एवं तो मायावादी अच्छा ये नुहंती कि प्रतिष्ठा करते कांशीराम। ओके राइट आंसर हूँ कांशीराम पाने मायावती के लिखना प्रतिष्ठाता लिखना प्रतिष्ठाता होती कांशीराम। राजनैतिक दलगुड़िक किए स्वीकृति प्रदान करती राजनैतिक दलगुड़
स्वीकृति प्रदान करती पुणी स्वीकृति प्रत्याहार मध्य करती दुईट कार्य कर ऑर्गेनाइजेशन को कौन कह आम राष्ट्रपति नुहंती प्रधानमंत्री नुहंती सर्वोच्च न्यायालय सी भी नुहंती एनसर हूँ आमर निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमिशन सी राजनीतिक दल गुड़ स्वीकृति प्रदान करके निम्नोक्त मध्य के भारत गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे चैलेंज नुहे कौटा देख तो आगे चैलेंज कौटा देखेद ना चैलेंज तो नक्सलवाद हेल्ले गणतंत्र तिष्ठिबो ना आंचलिकतावाद हेल्ले गणतंत्र तिष्ठिबो ना ओके गणतंत्र प्रति एक चैलेंज रहिबो आउ जो तुम रहिला कौटा रहिला निरक्षरता आउ समाजवाद निरक्षरता रही तो गणतंत्र भल नुहे शुभ दृष्टि नुहे मंगल नुहे निरक्षरता रही पे अनपढ़ जी हे लोक मैंने अनपढ़ गवार हे तेज गणतंत्र शुभंकर नुहे से विषय तेज आम कौटा हम ना समाजवाद एटा बाद पड़ गला एटा बाद पड़ गला एटा बाद पड़ गला रहा कौटा समाजवाद इज आवर राइट आंसर ओके लास्ट क्वेश्चन संविधान क्यों धारा भारत को राज्य मानक एक संघ रूपे वर्णना करुच्छी राज्य मानक संघ अर्थात फेडरेशन अफ द स्टेट्स कौ धारा सीधा सीधा उत्तर मन रखीदबा आम आम उत्तर हम धारा एक ओके संविधान क्यों धारा भारत को राज्य मानक संघ रूप वर्णना करुच्छी उत्तर आंसर इज धारा एक सो होपफुली समस्ते यहाँ भल भाव पे बुझीपार भिडियोटी को बारंबार देख थे मन रही बारंबार देखने निश्चित भाव तुम पे मन रही तुम मैंने भिडियो जब भल लगे सेयार कर कमेंट कर लाइक करने को भूल जय उत्कल जय भारत।